सो दोस्तों, फाइनली साल का सबसे बड़ा सेल यहाँ पे आ चुका है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन का, जो 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और कुछ काफ़ी कमाल क्रेजी डील्स भी लेकर आने वाला है। बट आज की वीडियो में मैं कुछ लैपटॉप के कमाल के डील्स के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस बार अमेजोन में फ्लिपकार्ट भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है लैपटॉप ले लो। सो दोस्तों, मेरी लिस्ट में काफ़ी सारे लैपटॉप है जहाँ पर मैं सस्ते वाले से आस्ते आस्ते करके थोड़े से महंगे वाले में आने वाला हूँ। और हमारे पहले नंबर पे जो लैपटॉप है वो है Asus Vivo Book 15। और इस लैपटॉप को मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स एंड ऑफिस वर्क के लिए रखा है, तो अगर आपका काम डॉक्यूमेंट हैंडल करना है या फिर इंटरनेट सर्फ करना है, देन ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि Ryzen 3 लेके आता है, उसके साथ में 8GB रैम भी है और इसका सेल में प्राइस सर 25,000 होने वाला है। तो अगर आपका बजट एकदम टाइट है, देन ये लैपटॉप आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है और आप इसे लेना कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद हमारे नेक्स्ट लैपटॉप में आता है जो Realme Book Slim, और ये मेरा पर्सनली फेवरेट भी है, मैंने इसे यूज़ कर रखा है। इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर, जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इस लैपटॉप को मैंने स्पेशली यहाँ पे इसलिए रखा है, अगर आपको एकदम लाइट वेट लैपटॉप चाहिए या फिर मीडिया कंजम्पशन के थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला डिस्प्ले चाहिए, थोड़ा ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, तो ये सारी चीज़ें में ये लैपटॉप बहुत कमाल का है। ये एकदम फ्लैगशिप वाला फील दे देता है एकदम बजट प्राइस में। और अगर आपको फोटो एडिटिंग भी करना है, आपको एकदम कलर एक्यूरेट डिस्प्ले चाहिए, देन आप इसका i3 वाला कंसिडर कर सकते हो, जिसका प्राइस सेल में सिर्फ 33,000 होने वाला है कार्ड वगैरह के ऑफर लेकर। और अगर आपको थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग भी करना है बेसिक वाला, देन इसका i5 वाला लेना कंसिडर कर सकते हो, जिसका प्राइस कुछ 38,000 तक भी आपको देखने को मिल जाएगा सारे कार्ड्स के ऑफर लगाकर। ये सिर्फ फ्लिपकार्ट में आपको मिलने वाला है एंड आई थिंक बहुत कमाल ऑफर्स लेके आ रहा है, क्योंकि इसका i5 वाले का करंट प्राइसिंग 60,000 है, वो आपको 40,000 के अंदर भी मिल सकता है। तो आई थिंक भाई, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लैपटॉप में, जो है Asus Vivo Book 14। और ये Ryzen 7 लेकर आ जाता है, 16GB रैम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है और इसका प्राइस है सिर्फ 40,000 रुपये। 40,000 रुपये में ये इतना तगड़ा स्पेक यहाँ पे लेकर आ रहा है, तो अगर आपका बजट टाइट है ना, आपको थोड़ा हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए, देन आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जो आपको सेल में बहुत क्रेजी प्राइस में देखने को मिल जाएगा। बट अगर अभी आप सोच रहे हो कि मुझे Ryzen नहीं चाहिए, मुझे Intel का प्रोसेसर चाहिए, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन में है। उसके लिए आपको लेना होगा Asus Vivo Book 15, जहाँ पे आपको i7 10th Gen प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अगेन 16GB रैम लेकर आ रहा है और इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 5,000 आपको ज़्यादा देना होगा, आपको 45,000 तक देखने को मिल जाएगा। बट अगेन i7 10th Gen 50,000 के अंदर मिलना एक बहुत बड़ी बात है एंड बहुत कमाल का यहाँ पे डील मिल रहा है। तो जिन्हें भी एकदम ये तगड़ा परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए बजट प्राइस में, उनके लिए एकदम जन्नत होने वाला है। अरे ये नहीं, सो दोस्तों, अब हम थोड़े से गेमिंग लैपटॉप की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे बजट से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे लिस्ट में Lenovo IdeaPad Gaming 3। अब देखो, ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेमिंग लैपटॉप है, इनफैक्ट मैंने इसका i3 10th Gen वाला का वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हो। बट जो हमारे लिस्ट में है, ये i3 11th Gen लेकर आता है, गेमिंग सीरीज वाला, एच सीरीज वाला प्रोसेसर है, उसके साथ में 8GB रैम है, 4GB ग्राफिक्स है और ये सर 50,000 में यहाँ पे मिल रहा है। जो मैंने i5 10th Gen वाले का वीडियो बनाया था, उसका प्राइस 60,000 के ऊपर था और यहाँ पे अभी 11th Gen में आपको 50,000 में ये लैपटॉप मिलने वाला है। भाई बहुत क्रेजी डील है। भाई अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई मुझे तो गेमिंग करना है, मैं इंटेल का प्रोसेसर लेके क्या करूँगा, गेमिंग के लिए तो मुझे Ryzen का प्रोसेसर के साथ लैपटॉप चाहिए, तो भाई उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा HP Victus, जो अगेन एक बहुत तगड़ा गेमिंग लैपटॉप है। आपको उसमें मिल जाएगा Ryzen 5 का 5th जनरेशन का एच सीरीज का प्रोसेसर, 8GB रैम है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स है और ये आपको मिल जाएगा सर 53,000 में। अगेन एक बहुत क्रेजी डील है। अब आप सोच रहे हो भाई मुझे HP Victus ही लेना है, बट मुझे Intel का प्रोसेसर चाहिए, तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है। आपको मिलेगा i5 12th Gen एकदम लेटेस्ट, उसका एच सीरीज का प्रोसेसर यानी गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर, उसके साथ भी आपको मिल जाएगा 8GB रैम, NVIDIA का 4GB का ग्राफिक्स है और इसका प्राइस थोड़ा सा हाई होने वाला, 60,000 तक चला जाएगा। बट अगेन ये HP सीरीज का जो भी गेमिंग लैपटॉप है बहुत ज्यादा तगड़े है। उसके साथ में Lenovo का भी आपको काफी एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे गेमिंग में। जहाँ पे उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट लैपटॉप में, जो अगेन एक गेमिंग का टॉप नॉच हाई परफॉर्मेंस वाला एक काफी तगड़ा लैपटॉप है, जो है Asus TUF Gaming A15। जहाँ पे ये लैपटॉप अपने साथ लेके आ जाता है Ryzen 7 4th जनरेशन का एच सीरीज वाला गेमिंग वाला प्रोसेसर है, उसके साथ में यहाँ पे 16GB रैम एंड RTX 3050 ग्राफिक्स भी लेकर आ जाता है। इसका प्राइस आपको कुछ 72,000 देखने को मिल जाएगा सेल में। अगेन इस प्रोसेसर के साथ में, इस आपको ग्राफिक कार्ड के साथ में जो ये प्राइस मिल रहा है, ये बहुत कमाल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मज़ा आया।
अब मैं आ जाता हूँ हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले लैपटॉप पे, जैसे मैंने स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रखा है। तो अगर आपका काम वीडियो एडिटिंग वगैरह का है, ये लैपटॉप आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। ये Asus VivoBook K15 है, जहाँ पे ये एक OLED डिस्प्ले लेके आता है, वो भी 100% sRGB वाला, तो एकदम कलर एक्यूरेट है। तो आपका यहाँ पे मॉनिटर का खर्चा बच जाता है, उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। Ryzen 5 लेके आता है, 5th generation का एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, उसके साथ में 16 GB रैम देखने को मिल जाएगा आपको। एक बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, एकदम कलर एक्यूरेट भी है, तो आपका एडिटिंग वगैरह का काम इसमें निकल जाएगा। और इसका प्राइस आपको कुछ 65,000 के आसपास देखने को मिलने वाला है। अगेन इस प्राइस में काफ़ी अच्छा यहाँ तगड़ा पैकेज Asus की तरफ से लेकर आ जाता है। अब देखो, इतने सारे लैपटॉप्स एक वीडियो में फिट करना तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कुछ और भी अच्छे ऑप्शंस जिसे आप कंसिडर कर सकते हो अलग अलग बजट सेगमेंट में, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा और आप इसे ज़रूर से जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी लैपटॉप को लेकर जो मैंने लिस्ट में ऐड नहीं किया है, या फिर किसी के बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। वैसे अगर आपका कोई दोस्त यार कुछ भी कोई लैपटॉप लेने का सोच रहा है, आप उसे ये वीडियो फॉरवर्ड करके उसकी मदद कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जाकर कर दो। बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।